हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये सिंपल सा, इजी सा एंड बहुत ही जल्दी होने वाला मेकअप लुक। फ्रेंड, ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, बिल्कुल कम और अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। और यहाँ पर मैंने कोई भी टूल्स नहीं यूज़ किया है, लाइक ना ही मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, ना ही ब्रशेस। तो विदाउट टूल्स मैंने ये मेकअप लुक किया है। अगर आप बिगनर हैं, इस तरह का सिंपल सा, इजी सा मेकअप ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। और मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट यहाँ यूज़ किए हैं। आई मेकअप की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, हर आउटफिट के साथ जाने वाला है। बहुत सारे कलर नहीं है, सिंपल सा सटल सा मेकअप है जो कि आप कभी भी कर सकते हैं, किसी फेस्टिवल में कर सकते हैं या फिर किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं। सेल्फ मेकअप है, बहुत ईजी सा है। ओप, ये जो लुक है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो मेकअप शेयर कर रही हूँ, आप लोग को पसंद आएगा। फ्रेंड, अगर ये मेकअप थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना फ्रेंड, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अभी वीडियो। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, इसको एज अ प्राइमर और मॉइस्चराइजर दोनों ही मैं यूज़ करती हूँ। तो बिगनर फ्रेंडली मेकअप है, तो अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर बहुत ही अच्छा काम करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नाउ मैं एज अ बेस ले रही हूँ पॉन्स के बीबी क्रीम और पूरे फेस में अप्लाई कर रही हूँ और हाथ से ही ब्लेंड करूँगी। बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाती है ये। बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए तो आप कोई भी बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड हो जाती है। मैं कंसीलर के लिए भी ही बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है एज अ कंसीलर, तो जो आप बेस लगा रहे हैं उसको ही अंडर आई एरिया या फिर आइज़ पर लगा लें, जहाँ पर भी डार्क स्पॉट हो, और फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लें। सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, लैक्मे का सन एक्सपर्ट है ये, और अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए ये ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये आईलाइनर, और इसमें ब्रॉ फिल करने के लिए भी दिया होता है, 2-in-1 है। तो उसके साथ टूल दिया हुआ है, एक ब्रश दिया है, उसी की हेल्प से मैं अपने जो आईब्रोज़ हैं उसके गैप फिल कर रही हूँ एंड थोड़े से डार्क कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़। एंड आईब्रो फिल हो गई है, देन मैं ले रही हूँ ये लैक्मे 9 to 5 का लिप कलर है। फ्रेंड, ये मैट है बट क्रीमी मैट है और बहुत ही मल्टीपर्पस है। इसको मैं एज अ लिप कलर भी अप्लाई कर रही हूँ और ब्लशर की जगह भी इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियो में अपने इस तरह से ही ब्लश का जो काम होता है मैं लिप कलर से ही करती हूँ और यही लिप कलर यूज़ करती हूँ बिकॉज ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही अच्छा नेचुरल पिंक शेड देता है। नाउ मैं इसको अपने आईलिड पे भी लगा रही हूँ और इस तरह से ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छा लग जाता है। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है फ्रेंड, लिप कलर लगाने के बाद जो भी बचता है उसी को चिक में अप्लाई करें और उसकी को ही मैं आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इतना रहता है ब्रश में कि आराम से आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं चाहिए। मैंने आईलिड पे लगाया है और एक फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। आईलिड से थोड़ा सा ऊपर क्रीज एरिया पे आके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो जो डार्क शेड होता है वो लाइट भी हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। दोनों आईज़ पे ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर आई शेडो के लिए ये मैबलिन का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से सिमरी शेड लिया है और सिर्फ मिडल जो आईलिड है वहाँ पर मैंने एक फिंगर की हेल्प से पहले अच्छे से प्लेस किया है और उसी को ब्लेंड कर दिया है। तो हल्का सा शिमरी शेड मिल जाता है पिंक के साथ, आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी। बस मैं और कोई कलर नहीं लेने वाली हूँ, इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और मैंने सेम आई शेडो पैलेट को जो उसमें हाईलाइटर दिए हुए हैं, लाइक सिमिलर शेड दिया, उसी को एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ ब्रॉ बोन में, चिक पे और नोज़ पे मैंने इस तरह से हाईलाइट कर लिया है, वो भी फिंगर की हेल्प से। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ ये काजल, काजल है फेसेस कनाडा का और इसका मैं रिसेंटली रिव्यू करने वाली हूँ, अभी मैंने किया नहीं है। अगर पूरा रिव्यू देखना है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो पहले मैंने इसको थिन लाइन ड्रॉ करिए, उसी को थिक कर लिया है, बहुत ही अच्छा काजल है, देख सकते हैं। तो थिक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने और इसी काजल से मैं एज अ लाइनर इसको यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास लाइनर नहीं है फ्रेंड, तो काजल जो इस तरह के होते हैं स्मच प्रूफ हो, उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइनर। तो लाइनर लगाने के लिए सिर्फ जो ऊपर की लेसेस होती है उसको बेस मान के उसी को ड्रॉ करते रहिए छोटे छोटे स्ट्रोक से, अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सा लाइनर लग जाता है। और थोड़ा सा थिक कर लीजिए, मैं यहाँ कोई भी विंग नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रही हूँ, इनर और आउटर कॉर्नर को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। देखिए, दोनों ही आईज़ में मैंने अच्छे से आईलाइनर लगा लिया है एंड अब मैं लगाऊंगी फॉल्स लेसेस।
अगर आप फॉल्स लेसेस बिगनर हैं तो फॉल्स लेसेस इसके भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लुक क्रिएट कर रही हूँ जो कि और ही ज़्यादा अच्छा एनहेंस करता है इस मेकअप को, इसलिए मैंने फॉल्स लेसेस लगा ली हैं और मस्कारे के साथ अपना जो आई लेसेस है नेचुरल लेसेस को मिक्स कर रही हूँ। और देखिए मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। किसी भी लुक को कंप्लीट करने के लिए ज्वेलरी और सिंपल सा ड्रेस जो भी आप पहनना चाहें वो करिए। विदाउट बिंदी ये लुक देख सकते हैं, जो अनमैरिड लोग हैं वो बिंदी ना लगाएं और जो मैरिड हैं वो इस तरह से बिंदी लगा लें। देख सकते हैं कितना ईजी और सिंपल सा मेकअप है जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। होप ये जो मेरा फाइनल लुक है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।